हाय एम्पियंस, तो ये हमारा नीर का निर्माण का थर्ड वीडियो है, ठीक है। इससे पहले हम लोग ने जो हरिवंश राय बच्चन है, जो इनके लेखक है, ठीक है, उसके जीवन परिचय को, उनके जीवन परिचय को पढ़ लिया था, ठीक है। और हम लोग ने क्या किया था, जो नीर का निर्माण है उसमें देखिएगा बहुत सारा बहुत लंबा कविता है, ठीक है। तो उसको हमने क्या किया था, दो छोटे छोटे पंक्तियों में तोड़ दिया था। उसी में से दो पंक्ति हम लोग ने दूसरे वीडियो में कवर कर चुके थे, ठीक है। उसकी व्याख्या को सब कुछ हम लोग, व्याख्या जो होता है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, उस सबको हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है। और उसका DPP जो था, ठीक है, सेकंड वीडियो में हम लोग दिए थे, ठीक है, उसका क्वेश्चन आंसर आप कर लीजिएगा, ठीक है। और नहीं किया तो उसका जो सॉल्यूशन है आज के वीडियो में मिल जाएगा। आज के वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन रहेगा उसमें लिंक दिया गया, उसके थ्रू आपको वो सेकंड वीडियो का जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, जो दो पंक्ति कर लिया था उसके आगे के दो पंक्तियों की व्याख्या को देखेंगे। तो आप लोग भी इसके लिए किताब तो निकाल लीजिए, क्योंकि यहां पंक्ति लिखा नहीं रहेगा, स्क्रीन पर आपका पंक्ति आएगा, ठीक है, या कि हम पढ़ेंगे अभी, वहीं से आप किताब में अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है, कि कौन सा पंक्ति का भी हम व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो किताब निकाल लीजिए, हम लोग भी अपना किताब निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी से किताब निकाल लो तुम लोग, ठीक है। तो देखो हम लोग तीसरा पंक्ति किसको किए थे, स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है, वहां से लेकर हम लोग उसको तीसरा पंक्ति लिखेंगे, ठीक है, उसी की व्याख्या को भी देखेंगे, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। वह चले झोंके की कापे भीम कायावान भूदर, जर समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे बिटप वर, ठीक है। हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या ना बीती, हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या ना बीती, ठीक है। ये हमारा क्या रहेगा, तीसरा ये रहेगा पंक्ति रहेगा, इसी की व्याख्या को अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। वह चले झोंकों की कापे भीम कायावान भूदर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे बिटप वर, ठीक है। हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या ना बीती, हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या ना बीती, ठीक है। यह हमारा क्या रहेगा, तीसरा पंक्ति रहेगा, उसी की हम लोग व्याख्या को अभी देखेंगे, ठीक है। तो पहले जो उसमें जो शब्दार्थ है उसके अर्थ को पहले समझ लेते हैं, फिर उसके जो व्याख्या होगा वो बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, भीम कायावान, भीम कायावान मतलब बहुत बड़ा और आकार वाला, ठीक है, या बहुत बड़ा भारी वजन वाला, ठीक है। कोई वस्तु रहेगा, कोई चीज रहेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भीम कायावान। काया मतलब समझते हैं ना, शरीर, ठीक। भीम मतलब भीम जानते हैं ना, भीम जो शक्ति बहुत शक्तिशाली था, बहुत बड़ा था, ठीक है। तो शरीर, भारी शरीर वाले या फिर बड़े आकार वाले जो भी व्यक्ति वस्तु रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे भीम कायावान। भूधर, भूधर मतलब भू को धरा हुआ है, भू मतलब पृथ्वी या पृथ्वी को जकड़ा हुआ, धरा हुआ, ऐसा कौन है, पर्वत पहाड़ क्या करते हैं, पृथ्वी पे है, टिका हुआ है, ठीक है। उखड़ पुखड़ का, उखड़ पुखड़ का मतलब पूरी तरह से नष्ट होगा, उखड़ पुखड़ का मतलब पूरी तरह से नष्ट हो गया, ठीक है। बिटप वर मतलब बरगद का पेड़, बरगद का बड़ा बड़ा जो पेड़ होता है, बरगद का पेड़ क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है, उसकी जो जड़ें होती है बहुत बड़ी बड़ी होती है, जमीन में बहुत धसी होती है, उसी को बोला जाता है बिटप वर, ठीक है। विनिर्मित मतलब बना हुआ, विनिर्मित मतलब बना हुआ, ठीक है। जैसे ये हमारा घर है, ये किससे बना है, सीमेंट है या फिर ईंट बालू से बना हुआ है, उसी को बोलेंगे हम इन सब चीजों से ये विनिर्मित है, विनिर्मित मतलब जिन चीजों से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ शब्दार्थ समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सब प्रसंग व्याख्या लिखने की कोशिश करेंगे। तो सब प्रसंग व्याख्या हम लोग कैसे लिखते हैं, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या। तो उस पंक्ति के लिए आप संदर्भ क्या लिखिएगा, जल्दी से आप लिख लीजिए जल्दी, ठीक है। देखिए क्या होगा, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य संचयन के नीर का निर्माण फिर नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचना हरिवंश राय बच्चन जी है। जिसके रचनाकार कौन है, हरिवंश राय बच्चन जी है, या कविकार भी बोल सकते हो, ठीक है। कविता है तो कविकार हो जाएंगे, लेखक हो जाएंगे, ठीक है, निर्माता भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। प्रसंग हम लोग कब लिखेंगे, व्याख्या को पढ़ने के बाद, प्रसंग हम लोग कब लिखेंगे, व्याख्या को पढ़ने के बाद, ठीक है। तो यहां पे पहले हम बता दिए, देखो क्या लिखा है यहां पे, प्रस्तुत पंक्ति में कवि प्रकृति में उठे आंधी तूफान के प्रभाव को बताते हुए कहते हैं कि, जो इस पंक्ति में कभी जो शुरुआत करते हैं किसके माध्यम से, इससे पहले वाले पंक्तियों में अगर तुम लोग पढ़ेंगे तो देखोगे कि अचानक क्या होता है, पूरे प्रकृति में, पूरे हमारे वातावरण में क्या होता है, अंधेरा छा जाता है, आंधी तूफान आ जाता है, तो उसके कारण क्या प्रभाव होता है, ठीक है, उसी को इस पंक्ति में बताते हैं, ठीक है। उसके कारण कौन कौन से, आंधी तूफान जो आ गया है उसके कारण क्या होता है, जो मुसीबत आ गई हमारी प्रकृति में, ठीक है, उसके कारण क्या होता है, देखो।
कि जब आंधी तूफान आ जाता है तो बड़े से बड़े पहाड़ भी कांप उठते हैं, बड़े से बड़े बरगद का पेड़ भी जड़ समेत उखड़ पुखड़ जाता है। तुम लोग देखा होगा, ठीक है, जब बहुत जोर से आंधी तूफान आ जाता है तो बड़ा से बड़ा पेड़ रहेगा, ठीक है, बड़ा से बड़ा पेड़ रहेगा जड़ समेत, मतलब पूरा जड़ के साथ क्या होगा, कलट जाएगा, उलट जाएगा, ठीक है, बड़ा से बड़ा पत्थर रहेगा, पहाड़ रहेगा, ठीक है, वो भी जब आंधी तूफान जोर से आने लगेगा तो भी कांपने उपने लगता है, ठीक है। इस स्थिति में कभी उस तिनकों से निर्मित चिड़िया के घोंसले के ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं कि सोचो उस पर क्या बीतती होगी। इस स्थिति में जब पूरी तरह से इतना भयंकर आंधी तूफान आ गया है, पूरे प्रकृति में हमारे इतना भयंकर आंधी तूफान आ गया है कि बड़ा से बड़ा पर्वत पहाड़ क्या हुआ है, कांपने लगा है, बड़ा से बड़ा बरगद का पेड़ भी क्या हुआ है, जड़ समेत उखड़ फुकड़ गया है, इतना आंधी तूफान आ गया है, ठीक है। आंधी तूफान का जो प्रभाव है उसके प्रभाव से बड़ा पेड़, बड़ा से बड़ा पर्वत सब कांपने लगा है, ठीक है। तो उस समय कभी हम लोग का जो ध्यान है, इस पंक्ति के माध्यम से बोलते हैं, उस समय सोचो कि वो चिड़िया जो घोंसले का निर्माण करती है तिनकों की सहायता से, इस स्थिति में ये जो आंधी तूफान आया है जिसके कारण पर्वत पहाड़ सब कांपने लगे हैं, उस स्थिति में उस चिड़िया के घोंसले का क्या होता होगा, वो तो पूरी तरह से तबाह हो जाता होगा, नष्ट हो जाता है। अरे सोचो, जब आंधी तूफान आया तो बड़ा से बड़ा बरगद का पेड़ उखड़ जाता है, तो उस पर जो चिड़िया का तिनकों से निर्मित घोंसला रहता होगा उस पर क्या बीतती होगी, उस पर क्या ढलती होगी, उसी के बारे में सोचने पर हमको कभी क्या करते हैं, मजबूर करते हैं। यहाँ पे कहने का भाव यह है कि जब मुसीबत आती है तो बड़े से बड़ा समृद्ध, समृद्ध मतलब बड़ा अमीर आदमी जिसको पास किसी चीज की कमी ना हो उसी को बोलते हैं समृद्ध, समृद्ध आदमी भी कांप उठता है, तो सोचे जब किसी साधारण व्यक्ति पर मुसीबत आती होगी तो क्या होता होगा, क्या होता होगा। अब हम एक ही बार में सबको जोड़ के समझाते हैं, ठीक है। देखो, कभी कहते हैं यहाँ पे, तो कभी कहते हैं कि जब प्रकृति में आंधी तूफान आता है तो बड़ा से बड़ा बरगद का पेड़, बड़ा से बड़ा पर्वत वो सब भी कांपने लगते हैं इस मुसीबत से डर के, ठीक है। तो सोचो उस समय उस चिड़िया से, जो चिड़िया जो तिनकों से निर्मित घोंसला बनाती है उसका क्या हालत होगा, ठीक है। ये तो हुआ कविता, अब इसी से हम लोग का तुलना करते हैं। यहाँ पे जो बड़ा बड़ा पेड़ है, बड़ा बड़ा पहाड़ है, वो समझ लो अमीर व्यक्ति है, समृद्ध व्यक्ति है, ठीक है। और जो चिड़िया का घोंसला है वो उसकी तुलना यहाँ कभी किसे करते हैं, एक साधारण व्यक्ति से, रोज खमाने का, जो रोज काम करता है, रोज काम करता है फिर खाता है, ठीक है, छोटा छोटा आदमी, गरीब आदमी, ठीक है, उससे तुलना करता है। जो पर्वत पहाड़ है उसकी तुलना अमीर व्यक्ति से, जो चिड़िया का घोंसला है, ठीक है, उसकी तुलना गरीब व्यक्ति से। तो जब मुसीबत आती है, मुसीबत जैसे प्रकृति में मुसीबत आती है तो ये पेड़ पौधे सब की क्या लगते हैं, ये भी कांपने लगते होंगे, उसी मुसीबत में इसका क्या हालत होगा। तो ठीक हो, मुसीबत के चपेट में चिड़िया के तिनकों से निर्मित घोंसले का क्या हालत होगा। उसी प्रकार जब मुसीबत आती है ना तो बड़ा से बड़ा समृद्ध आदमी भी, बड़ा से बड़ा अमीर आदमी भी उस मुसीबत के डर से कांपने लगता है। तो सोचो वही मुसीबत जब किसी गरीब व्यक्ति पे आ जाता होगा तो उसका क्या हालत होगा, उसका वही हालत होता है जो उस आंधी तूफान में उस चिड़िया के घोंसले का जो हालत होता है ना, वही हालत किसका हो जाता है, उस गरीब आदमी का हो जाता है। इसी चीज को हमको सोचने पे कभी क्या करते हैं, इस पंक्ति के माध्यम से मजबूर करते हैं। ये जो स्थिति है अभी की, जो कोरोना वायरस वाला जो स्थिति है, लॉकडाउन वाला, उसमें सोचो बड़ा से बड़ा कंपनी सब लॉस में चला गया, सब डूब गया, ठीक है, उतना बड़ा से बड़ा समृद्ध आदमी भी क्या हुआ, डरने लगा इस स्थिति को देखकर, ये जो समय आया, ठीक है। तो उस समय सोचो, उसी समय सोचो कि रोज कमाने खाने वाला आदमी का इस स्थिति में क्या हालत होती होगी, इस मुसीबत में उसकी क्या हालत होती होगी, ठीक है। इसी सब चीजों को सोचने पर हम लोग को कभी मजबूर करते हैं कि जब मुसीबत आती है ना तो बड़ा से बड़ा अमीर आदमी जितना भी पैसा रहो उसके वो भी कांप जाता है, तो सोचो गरीब आदमी का क्या होता होगा उस मुसीबत में, ठीक है। जिसके पास पैसा उसा नहीं है, जिसके पास कुछ साधन नहीं है अपनी जीविका को चलाने के लिए, उसमें जब मुसीबत आती होगी तो उसका क्या हालत होता होगा, ठीक है, उसका हालत भी ठीक उसी समान होता होगा जिस प्रकार आंधी तूफान में चिड़िया के घोंसले का हालत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजों को याद रखने का जरूरत है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन दिए हैं ऐसे, ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि भूधर या भीम कायावान भूधर किसका प्रतीक है, ठीक है। इसके माध्यम से कभी किसके बारे में बताना चाहता है, तो इसके माध्यम से इस चीजों के नाम लेके कभी समाज में जो समृद्ध आदमी है, अमीर आदमी है, ठीक है, जिनको किसी चीज की कमी नहीं है, उनकी तुलना करते हैं, ठीक है। और चिड़िया के घोंसले की तुलना या चिड़िया के घोंसले के माध्यम से कभी किसके बारे में बताते हैं, तो चिड़िया के घोंसले के माध्यम से कभी किसके बारे में बताते हैं, समाज में जो गरीब व्यक्ति है, ठीक है, जो रोज कमाते हैं खाते हैं, ठीक है, वो जो गरीब है जिनके पास किसी प्रकार का साधन नहीं है, ठीक है, उससे उसकी तुलना करते हैं, ठीक है।
समझ में आ गया है, हमको लगता है तुम लोग को समझ में, उम्मीद है तुम लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी इसका प्रसंग, इसका प्रसंग देखो, ये नहीं कि भैया जो प्रसंग लिखा है वही सही है, ठीक है उसी, मैंने सही तो है लेकिन उसी को रटेंगे उसी को रटेंगे, नहीं, जो तुमको यहाँ से समझ में आया तुम अपने तरीके से प्रसंग बना सकता है। ठीक है, हम देखो क्या लिखे हैं, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कभी समझाना चाहते हैं कि जब मुसीबत आती है तो गरीब हो या अमीर दोनों व्यक्ति कांप जाते हैं। ठीक है, दोनों व्यक्ति कांप जाते हैं, ये नहीं कि तुम लोगों को लगता होगा अमीर आदमी है तो क्या होता है, इतना पैसा है कोई भी मुसीबत आएगा ऐसे ही सॉल्व कर देगा, नहीं, हर मुसीबत को पैसे से सॉल्व नहीं किया जाता, अगर मुसीबत आती है तो वो भी उतना ही कांप जाता है जितना हम लोग कांपते हैं, लेकिन उसके पास थोड़ा पैसा है तो जल्दी हल हो जाता है, हम लोग का थोड़ा समय लगता है लेकिन सबकी मुसीबत का क्या होता है, समाधान हो जाता है। क्यों, इससे पहले वाला पंक्ति हम लोग पढ़ ही चुके हैं क्या, कि रात कितनी भी काली क्यों ना हो, उस रात का क्या होता है, हर एक सवेरा होता है, उसी प्रकार मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हर मुसीबत का कुछ ना कुछ हल होता है। ठीक है, इसको अगर तुम प्रसंग को चाहो तो अपनी तरीके से भी लिख सकते हो, यहां पर प्रसंग को क्या लिख सकते हो कि प्रस्तुत पंक्ति में चिड़िया के माध्यम से कभी मुसीबत, जब मुसीबत आ जाती है तो उस समय गरीब आदमी का क्या हालत होता होगा, उसकी क्या दुर्दशा होती होगी, उसी चीज को समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से अपने प्रसंग को लिख सकते हैं हो जो तुमको समझ में आए। ठीक है, तो आई होप तुमको समझ में आएगा, इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम लोग चौथा पंक्ति को ये लिखेंगे, इसको नोट डाउन करो। सो अब हम लोग क्या करेंगे, जो कविता है कविता की चौथी पंक्ति को पढ़ेंगे, तो देखो यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा होगा चौथी पंक्ति हम लोग कहाँ से कहाँ दिए हैं, तुम लोग भी अगर जल्दी से रीड कर लो उसको। ठीक है, देखो हम पढ़ते हैं एक बार, तुम लोग भी सुनना या तुम लोग पढ़ो हम लोग सुनते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो हम ही पढ़ते हैं तुम सुनना। ठीक है, क्या लिखा है, डगमगाए जबकि कंकर ईंट पत्थर के महल पर, बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से नीच वक्ष फिर गर्व से नीच वक्ष फिर। ठीक है, तो कहां से कहां तक हम लोग चौथा दिए है, डगमगाए जबकि कंकर ईंट पत्थर के महल पर, वहां से लेकर जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से नीच वक्ष फिर वहां तक की लाइन, वहां तक की लाइन को हम लोग क्या दिए हैं, चौथा पंक्ति दिए हैं, उसी के हम लोग व्याख्या को समझेंगे अभी। ठीक है, तो व्याख्या समझने से पहले हम लोग क्या समझते हैं, व्याख्या समझने से पहले हम लोग जो शब्दार्थ है वो समझ लेते हैं। तो शब्दार्थ देखिए क्या लेगा, डगमगाया, डगमगा मीन्स हिलना डुलना, जैसे हम हिलडुल रहे ना, ठीक है, तो बोलेंगे भैया डगमगा रहे। ठीक है, विहंगम, विहंगम मतलब पक्षी, आशा का मतलब आशा रूपी, उम्मीद रूपी। ठीक है, गर्व, गर्व मतलब स्वाभिमान, प्राउड। ठीक है, गगन, गगन मतलब आकाश। ठीक है, निज, निज मीन्स अपना, निज मतलब समझते हो ना, अपना। ठीक है, ये मेरा अपना कपड़ा, उसी को बोले हम निज वस्त्र, मतलब अपना कपड़ा है, निज मतलब अपना होता है। ठीक है, वक्ष, वक्ष मतलब छाती, वक्ष मतलब छाती। अरे हम लोग नहीं बोलते कभी कभी कि तुम पे हमको इतना गर्व आ रहा है, तुम्हारे कारण मेरा जो छाती है वो क्या हुआ, फूल गया है, बड़ा हो गया है। ठीक है, उस तरह के मुहावरा का हम लोग यूज करते हैं ना, वही कुछ यहाँ पे रिलेटेड है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो चौथी पंक्ति है डगमगाए वहाँ से लेकर वहाँ तक का हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो देखो यहाँ पे संदर्भ लिखा है, संदर्भ में क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, तो तुम लोग भी कुछ नहीं लिखोगे क्या, नहीं लिखोगे, क्योंकि इससे पहले वाला हमें संदर्भ लिखा दिए हैं, पूरा कविता में संदर्भ क्या होगा, वही होगा ना, तो बेकार में लिख के कोई फायदा, मैंने मेरे को लिख के फायदा नहीं है, तुम लोग लिख लो, क्योंकि बोर्ड मेरा छोटा है ना, तो हम लिखेंगे तो भर जाता है, तुम लोग लिख लो जल्दी। ठीक है, तुम लोग को फायदा है लिखने से। ठीक है, देखो लिखो जल्दी। ठीक है, हाँ क्या लिखे, मैच कर लो एक बार, कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक साहित्य संचयन के पाठ नीर का निर्माण फिर से लिया गया है, जिसके रचनाकार कौन है, हरिवंश राय बच्चन जी है, या डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ठीक है, समझ में आया। अब प्रसंग हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब व्याख्या को पढ़ लेंगे, तो व्याख्या पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक चीज बता दें। ठीक है, देखो इस पहले पूरा कहानी कविता में है क्या, इस पंक्ति में है क्या, कवि क्या है, कवि बहुत ही आशावान व्यक्ति है, वो किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता है, उतने उसके अंदर इतनी इच्छा माने मनोशक्ति है, साहस है, कि वो किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता है, लेकिन थोड़े समय के लिए जब उसके ऊपर माने मुसीबत का सामना कर सकते हैं, लेकिन होता है ना कि अचानक मुसीबत आ जाता है, तो थोड़े समय के लिए मानते हम आगे मुसीबत का हल निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए हम भी क्या हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। उसी प्रकार कभी पे जब मुसीबत आई है ना, तो कभी मुसीबत आने के कारण थोड़े समय के लिए जो उसके अंदर का साहस था ना, मुसीबत से लड़ने का साहस था, हिम्मत था, जज्बा था, वो भयभीत हो गया, वो कांप गया है। ठीक है, उसको लगता है अब वो उस मुसीबत का हल नहीं निकल पाएगा, लेकिन पूरा विनाश माने पूरा उसका विनाश हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो फिर एक पक्षी को देखता है, एक चिड़िया को देखता है। ठीक है, और चिड़िया को क्या देखता है कि चिड़िया का घोंसला पूरी तरह से, आगे पंक्ति में हम लोग पढ़ते, पूरी तरह से तबाह हो गया है, लेकिन वो चिड़िया क्या होता है, हार नहीं मानती,
सॉरी, और उस आंधी तूफान की परिस्थिति में भी क्या करती है, अपने घोंसले का निर्माण करने में जुड़ जाती है। तो उसको देख के, उस चिड़िया को देख के कभी कभी एक उम्मीद, एक आशा की किरण अपने हृदय से दिखाई देती है, ठीक है। उसको भी कुछ आशा की किरण दिखाई देती है कि ये चिड़िया कर सकता है तो हमेरा, हम क्यों नहीं कर सकते, हम तो मानव है। तो जो आशा की किरण आई ना, आशा का जो जज्बा आया, आशा उम्मीद आया ना कभी के हृदय में, अब उम्मीद के कारण कभी क्या कर सकता है, अपने जो पहले डर रहा था मुसीबत को देख कर, अब उस मुसीबत का हल निकाल सकता है। आदमी को क्या चाहिए, आदमी को चाहिए एक उम्मीद चाहिए, ठीक है। अगर उम्मीद तुम्हारे पास है, ठीक है, धैर्य तुम्हारे पास है, हिम्मत तुम्हारे पास है ना, तो तुम क्या कर सकते हो, किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हो। तो उस चिड़िया को देखकर, उस चिड़िया को देखकर कभी के अंदर क्या आता है, उम्मीद आता है, ठीक है, आशा आता है कि हम इस मुसीबत का सामना कर सकते हैं। इसीलिए जो आशा है ना, जो उम्मीद माने जो उम्मीद आया है ना, उसको यहां पे उस चिड़िया के माध्यम से दर्शाया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है। चिड़िया माने जो चिड़िया विहंगम बोला गया है ना, आशा का विहंगम मतलब उसकी तुलना किससे की गई है, उस चिड़िया से की गई। उसके कारण कभी के अंदर क्या आता है, आशा आता, हिम्मत आता है मुसीबत से लड़ने का। इसलिए उसको क्या बोला गया, यहां पे आशा जो उम्मीद है ना, उसी को बोला गया आशा के विहंगम, ठीक है, आशा रूपी पक्षी, ठीक है। आशा को ही, उम्मीद को ही, अपने अंदर की हिम्मत जो आया है ना, उसी को इन सब चीजों से बोला गया है, ठीक है। अब ज्यादा कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, यहां पे जो पंक्ति है व्याख्या उसको पढ़ते हैं, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहता है कि प्रकृति में उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों में सिर्फ ईंट पत्थर से निर्मित घर ही डामाडोल नहीं हुए हैं, बल्कि कवि की अडिग रहने की मनुशक्ति भी डामाडोल हो गई है। कवि कहता है जब प्रकृति में मुसीबत आता है ना, तो ये जो पत्थर से निर्मित महल है, ये सब भी हिल जाता है, ठीक है। तो उस समय माने समझो, जब मुसीबत आंधी तूफान आते हैं, तो बड़े से बड़ा महल भी क्या होता है, हिलने डुलने लगता है। तो मुसीबत पे, उसी मुसीबत में कवि की जो मनोशक्ति थी, साहस था, वो भी क्या हुआ, हिलने डुलने लगा है। उसको लगता है अब हम हार जाएंगे, इस मुसीबत का सामना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। परंतु इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी कवि पूरी तरह से हार नहीं मानते और अपने हृदय में विनाश के बाद निर्माण की आशा का एक दीपक जलाते हैं, ठीक है। और उसी आशा रूपी पक्षी से पूछते हैं कि अब तक तू कहाँ छिपा था। इस आशा रूपी पक्षी के कारण ही कभी इन विपरीत परिस्थितियों से निकलकर आकाश की सफलता को छूने की बात करता है, जिस पर वह गर्व कर सके। फिर से समझाते हैं, ठीक है। जब कभी क्या हुआ था, डावाडोल हो गया था, मतलब उसकी मनोशक्ति जो थी, साहस था, हिम्मत था, वो क्या हुआ, हिलने डुलने लगा था मुसीबत को देख के। लेकिन जैसे ही उसके अंदर आशा रूपी पक्षी आया, ठीक है, तो उस आशा रूपी जो आशा आया है ना, उसके अंदर हिम्मत आया है ना, उससे पूछता है कि तुम अभी तक कहाँ था। अब उसके अंदर जो आशा आ गया है, उम्मीद आ गया, हिम्मत आ गया, साहस आ गया ना, उसको पूछता है कि तुम अभी तक कहाँ है, ठीक है। उसी को पक्षी बोला है, आशा का पक्षी, आशा रूपी पक्षी, तुम अभी तक कहाँ था, ठीक है। और वो जो आशा आ गया, उम्मीद आ गया है ना, उसको देखकर कवि को लगता है कि अब हम अपने सारे मुसीबतों का सामना कर सकते हैं, और जितना भी मुसीबत है उसका हल निकाल सकते हैं, और उसके बाद हम सफलता की बुलंदियों को छू सकेंगे, आकाश को छू सकेंगे, मतलब अब हम जीवन में सफल हो जाएंगे, ठीक है। तो मुसीबत से थोड़े समय के लिए कभी क्या हुआ, डर गया, लेकिन जब उसके हृदय के अंदर आशा आ गया, उम्मीद की किरण आ गई, ठीक है, उसी को बोला गया आशा रूपी पक्षी, आ गई, ठीक है, तब उसके अंदर का जो डर है वो चला गया है। अब वो मुसीबत का सामना कर सकता है, हल निकाल सकता है, और अपनी मुसीबत का हल करके वो क्या, जो आशा आया है ना, उस आशा के माध्यम से, उम्मीद के माध्यम से, उसके अंदर जो उम्मीद आया है ना, उसके माध्यम से वो सोचने लगता है कि अब हम मुसीबत का हल कर लेंगे और हम क्या करेंगे, सफलता की बुलंदियों को छू सकेंगे, जिस पे हम क्या कर सकते हैं, गर्व कर सकते हैं, प्राउड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसकी क्या हुई, व्याख्या हुई। एक बार दो बार पढ़ना है इसको, ध्यान से सुनना, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति प्रसंग की क्या लिखा है, प्रस्तुत पंक्ति में कवि अपने अंदर आशा रूपी पक्षी की तलाश करते हैं। अगर तुम्हारे अंदर आशा नहीं है, उम्मीद की किरण नहीं है, ठीक है, तो तुम क्या होगा, तुम भी भयभीत हो जाएगा, जैसे कभी स्टार्टिंग में भयभीत हो गया था। लेकिन जैसे ही आशा आता है उसके अंदर, जज्बा आता है, साहस आ जाता है, वो क्या होता है, अपनी मुसीबतों का हल ढूंढ लेता है, ठीक है, या अपनी मुसीबतों का सामना करने का साहस उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कभी क्या करता है, अपने अंदर आशा रूपी पक्षी की तलाश करता है, ठीक है। तो समझ में आ गया इसकी व्याख्या, ठीक है। तो आज हम लोग 3 और 4 का व्याख्या कर चुके हैं, आगे 5 और 6 का व्याख्या करके खत्म कर देंगे, ठीक है। उम्मीद है तुम लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। और इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में जाके देखना, इसका नोट्स रहेगा, DPP रहेगा, सब कुछ रहेगा, और पहले वीडियो का भी सॉल्यूशन रहेगा, तो तुम लोग जाके अच्छे से सॉल्व कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।